गोटेगांव से हमारे संवाददाता आशीष साहू की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं व पत्रकार, नागरिक, उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, युवा प्रकोष्ठ की टीम हुई सम्मानित। आज नरसिंहपुर जिले के स्टार्टेक जन कल्याण शिक्षा एवं कौशल विकास एवं प्रबंधन संस्था द्वारा नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच नरसिंहपुर की टीम को जन हितैषी बाप पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष अभय बान्यात्री, उपाध्यक्ष मनोज शुक्ला, महासचिव आशीष साहू, सचिव कृष्णकांत कौरव व सभी सदस्यों का स्वागत एवं सम्मान समारोह में प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया एवं छात्रों ने देश प्रेम की भावना से भरे हुए गीतों पर प्रस्तुति दी। स्टार्टेक जनकल्याण शिक्षक एवं कौशल विकास के प्रेसिडेंट सुनील विश्वकर्मा, संचालक पुष्पेंद्र राजपूत व संस्था के सभी सदस्य रहे मौजूद। लखमीपुर खीरी से तौहीद खान की रिपोर्ट। नदी में मिला शव। लखमीपुर खीरी शारदा नहर में साइफन में मिले बच्चे के शव। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के रामानंद के 21 तारीख को दो बच्चे हुए थे लापता। परिजन हत्या कर नहर में सब फेंके जाने पर लगा रहे हैं आरोप। आक्रोशित लोगों ने पीलीभीत बस्ती हाईवे किया जाम। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर की पत्थरबाजी। मौके पर पहुंची सदर पुलिस, कोतवाली पुलिस ने मोर्चा संभाला। काफी समझाने के प्रयास के बाद बढ़ गया तनाव, हुई पत्थरबाजी, दो लोगों को लिया हिरासत में। एक का नाम नितेश है, 18 वर्ष उम्र है, और एक रितेश है, करीब 11 वर्ष की उम्र है उसकी। दोनों 21 तारीख को, एक ही गांव के रहने वाले हैं, दोनों 21 तारीख को घर से निकले थे घास चलने के लिए। तो फिर उनका पता नहीं चला, उस पर अभियोग पंजीकृत करके जो है विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही थी। इसी बीच कल पता चला कि एक डेड बॉडी जो है बच्चे की कुंड नदी पड़ती है वहाँ पे पाई गई है, उस पर जो है पोस्टमार्टम करा के और जो कार्रवाई की जा रही थी। आज लखमीपुर खीरी से तौहीद खान की रिपोर्ट। लक्ष्मीपुर खीरी उत्तर प्रदेश के जनपद लखमीपुर खीरी के थाना गोल कोणकानाथ मोहम्मदी रोड नई बाईपास पर एक बार फिर देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक द्वारा मोटरसाइकिल सवार दो युवक तथा एक महिला को मारी जोरदार टक्कर। इस जोरदार टक्कर में एक युवक की मौके पर हो गई मौत, अन्य दो घायल हो गए। आपको बता दें, मृतक कमलेश कुमार सिंह अपने पुत्र मंजीत सिंह के साथ बहू के साथ अपने गाँव मुड़ा जवाहर अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। लगभग सुबह 10 बजे गोला के लिए निकला था। जैसे ही गोला नए बाईपास पर पहुंचा मोहम्मद रोड पर, तभी लखमीपुर की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर कमलेश कुमार सिंह की मौत हो गई तथा उसके पुत्र और बहू गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची गोला कोतवाली पुलिस।